उस अंजना पवन के इतिहास से जब उस अंजना को 12 साल का दसोटा मिल जाता है, वो पवन अंजना को याद करता है कैसे। हेलो, मैं एक मिनट, मैं आग्रह करूंगा, रागनी जगत के बहुत बड़े कलाकार रहे रणवीर बड़वासनिया जी और हमारे मास्टर करमपाल जी, कमेटी उनका पगड़ी बांधकर मोमेंटो देकर स्वागत करना चाहती है। और इसमें महिपाल नेताजी हमारे बड़े राष्ट्रीय कलाकार रहे हैं, आज भी हैं, तो उनका स्वागत करें, कमेटी की तरफ से आ जाओ। कैसे क्या लिखा है, चकवा चकवी सुने बोलते यो ध्यान भूप का चकवाचक भी सुने बोलते यो ध्यान भूप का फेरे गया और बारह साल होए जनड़ा पे मेरा फेटन ने जी करे बोला जाए अपने और तन में सेल सुबह आया
देखे रंग जो है थोड़ा सुर तो ऊंचा रहेगा क्योंकि शुरुआत बच्चे ने करी है अपने स्वर से, तो और भाइयों को थोड़ा ऊंचा जरूर पड़ेगा, लेकिन अब जो रंग भरा गया सो भरा गया, इसी में फाइनल होना है। सारे भाई जो है इसी में आते रहो, अपना अपना एक एक रागनी लेकर। चलो भाई, देखो बच्चे का बोल हेलो औरत की तरह होया करे, जैसे लेडीज का बोल होता है पन्ना बोल होया करे। और ये ऐसी समय हो जाए, इस टाइम ऐसा आ जाए कि थोड़ी आवाज भी मानस की बदल जाए, लेकिन कोशिश करके देखेंगे भाई। सनोज हेलो, ये भी दोनों आ जाओ, इस रागनी में आपको भी अपना अपना रंग लेना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है सभी को। बलराम और सनोज दोनों भाई आ जाएं। आजो आजो
अभी उम्र है भाई। बहुत बड़े बड़े आलाप लगन लग रही थी। और सभी कलाकार मेरा गुरु समान है, कोई वैसी लड़ाई नहीं है। सतेज की वो रंकाट है। बेटा तू हमारा बच्चा है, आलाप लागण में बड़े बड़े चूतड़ फाटे या भी धोन राख। एक कलीगार में भी चूतड़ फूल है भाई। थारा के तो पाट लिए दूसरे नंबर पे। ये बात तूने क्या इशारा छू कर मेरे मन को, तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगता छू कर मेरे मन को, या तूने क्या इशारा छू कर मेरे मन को, या तूने क्या इशारा। तू मारे प्याही थी गुण प्याके रंचाव चिड़ है वो चले मैं आई थी, जिंदगी तलके नहीं भूलेंगे इतना दला लाई थी प्याकी तेरे द्वारे पाई।
का साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। भाई रंगकाट का भी गौशाला ही खोल दी निकाली से। ये गौशाला में सब तरह के पशु होया कर रहे हैं न जानवर भी एक ही बात है, पशु जानवर है। देखो हमने पहले ही कहा था भाई बच्चे की आवाज है, पन्नी आवाज होया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और फिर बेटा ऐसा है, हम तो बच्चा है तो खिलाते हैं, अभी तुम्हें खिला रहे हैं, खिलाना बच्चे को खिलाते हैं, लाड़ प्यार करते हैं ताकि आगे आगे बढ़े। ये आने वाला हमारा भविष्य है। अगर ये साथ लग के सीखेगा कुछ जब ही तो आवागा। ये कोशिश है, बहुत अच्छी बात है। चलो नाम रहे की नगरी गावेगी मेरा तेरे बेटे की जान बच्चा नाम रहे। देखिए भाई आप पंच परमेश्वर हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और बच्चे के उज्जवल भविष्य की कार्य कल्पना करते हैं। और भाई लुगाई गार बालक का तो एक एक चीज अगर इसमें कोई दो राय नहीं। हेलो हेलो। और दूसरी चीज मैं बताऊं, और कुछ बात नहीं बड़े भाई, कोई बात नहीं, आपकी बात जायज है। बाकी यह भी सच्चाई, मैं दिन में भी प्रोग्राम में था, किते न किते कुछ न कुछ व्यवस्था, और सारी रात बैठे रहे। युग गड़ा कर गर्म हो रहा ना, 4-5 राउंड पहला करा दिंदा, फिर वो भी गर्म हो रहा। धन्यवाद, क्या बात है। हेलो
भाई जनता जनार्दन है, एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। प्रमुख साहब, हम तो साल में एक बेर रंग काट यहीं पे आके करें और पूरी साल करते नहीं है। और देखो कोशिश कर रहा हूँ, आपका बच्चा हूँ, जैसी भी कोशिश हो रही है कर रहा हूँ। अगर गलती हो जा तो आप क्षमा करने की कोशिश करिएगा, जैसी कोशिश बनेगी वैसे करने की कोशिश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। त्रुटि हुई हो तो क्षमा करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद जी। और भाई यही बात है, क्योंकि रंगकाट हरियाणा में चलता है और यूपी में तो कलाकार भाई ऐसे ही गाते हैं अपने अपने रंग में। रंग हम भी देंगे यूपी का प्योर। आइए, कैसे बताया, क्या लिखा हो? शुरू होगा इस रंग काट के दौर का, और चौथा जो अंतरा होगा तोड़ में जरूर बोल लेंगे, तोड़ में आ जाओ, और अपनी जो चौथी लाइन है उसमें भी आ जाओ, और जो ये तीसरा अंतरा चल रहा है इसमें तो फिर चलो, इसमें कोई बात नहीं, केवल एक ही अंतरे की बात है, वो लास्ट की। मैं अरे क्या
भी काम कर ले अपने बाल को धोरा चले जा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। सवादार यार, ये माई सारी रात होगी ना, कम से कम इनकी भी तो दो पैसे की कमाई हो जाएगी। ये मैं ही करवा था जानबूझ के, मगर न्यूर नू कर लो। कैसे क्या बताती है चलना चाहिए। ओए चोय के मां तेरे महल की, ओए चोय के मां तेरे महल की, नीम धरने आऊंगा गंगा जी की दरिया बहन के लेर चलाऊंगा। मैं छतरी सू भाई। मारे गुरु ने हमारे को पीछे हटना नहीं सका, लड़ते रहो लड़ते रहो। बहुत बहुत भाई, एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए बजा दो। और फिर मुख साहब, मेरी मौत तो वैसी टिक रही है, और ज्यादा टिकवा दो। सुनो जी, एक बात और है फिर मुख साहब, अब वीडियो बनी रही है, कमेंट और आएंगे जो कह रहे इन कलाकारन की यार मोहन ने क्यों टिकवा रहे हो, क्योंकि हमारे भाई ने, छोटा भाई है, स्केल ऊंचा है उसका, एक बार उसकी हौसला अफजाई के लिए भी आप ताली बजा दो। बहुत शानदार गा रहे हैं सभी, हाँ जैसा भी है। लेकिन गुरुजी, एक आपसे मेरा भी अनुरोध है,
क्योंकि हमारे गुरु जी हैं सुरेश अडोली जी सभी। एक अनुरोध मेरा भी जी, एक रंगा पक्के साज पे भी होनी चाहिए भाई। हम कच्चे पे गा रहे तो पक्के, अब यू मने की क्या बात है जी? या तरस थारी खतरना थी भाई, छोरे ना के लेने भाई जी। पक्के पे भी होनी चाहिए कोई ना ना जी। हम जब कच्चे पे गा रहे हैं, आप पक्के पे क्यों नहीं गा सकते? क्यों जी, जायज बात है नहीं? आप बताओ। बुला ले बुला ले, वो बात की बात है, इसे पूरा कर लो पहले। हाँ पक्के साज पे, हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं जैसे है जी। अरे भैया ताहिर, ताहिर जहाँ भी हो स्टेज के पास में मिलने डोड़ा का, उसका भाई मिला रहा क्या? ताहिर जहाँ भी हो स्टेज के पास। बहुत अच्छे भाई, और जी हाँ बिल्कुल, जैसे भी हम पा रही है वैसे भर रहे। लेकिन भाई यूपी का रंग का अलग हो एक रहे, हरियाणा का हमारी भी अपनी तरज है, हम अपनी तरज गाएंगे। जैसे हम पे गवी है वैसे हम गा रहे हैं, ठीक है जी। एक बार जोरदार ताली सब कलाकार के लिए आपकी तरफ से हो जाएगी। चौथा अंतरा है और इस चौथी कली के चौथे अंतरे की केवल चौथी लाइन बोलनी है कोरस वालों को, बाकी चार लाइन अकेला गायक गाएगा। आ जाओ मैदान में। और रही भाई बड़े भाई पक्के साज की बात, कभी गा तो नहीं है पर कोशिश जरूर कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चौथे नंबर पर है। Thank you.
ऊपर कर दी कल का मणि, दो आटा का फेर लिया जब कट्ठी करी ला मणि, भर्ती होते पहला उसने पैरे सूट जा मणि, जाट मेरा संग मर अंकित कातक जी 500 रुपए देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद जिन श्रोताओं ने मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आओ जी और जत्ती मर्द की सेवा में सतबीर जागणी चाहिए है, वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए है, सब जनिया मानस ने ना कद्या वीर त्यागनी चाहिए है, जिसते मतलब पूरा हो जा इसी रागनी चाहिए है, एक मिनट भाई एक मिनट, दो भाई के नाम इसका लाला ने कई बार कह लिया वहां बल्ले ऐसा नहीं, हरियाणा के इसमें एक ये बच्चा रे की उम्मीद थी है, बस हम दो भी यूपी के हैं भाई, कदर नु सोचते हो हम भी हरियाणा के, ऐसा नहीं कहा करते इसमें बच्चे की मारी अब नहीं मगर निमित क्या काम भर लो कली, मैं मास्टर का कह मदा कली भरू मैं तम भी भर लियो हो जाएगा काम, ऐसी बात नहीं पक्के साथ बताए बोलो पक्के पेगा आप ना भी पक्के से बथोड़ी काम हम आ मास्टर और भाई पक्के के तो गाड़ी है तम भी नहीं हो जब पक्का बचा थारे में बोल भी ना कहा जाएगा हमारे आदरणीय भाई मागेंद्र पखरपुर से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। इश्क
इकट्ठा, बहुत मान सम्मान किया, 500 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। देखो भाई एक बात हमने पहले ही बताई थी, हम तो बाड़ा का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर वो भी शुरुआत में बता दिया था, हमारे जो बड़े बड़े मास्टर जी यहाँ खड़े हैं वे बता देंगे, लेडीज का बोल हुआ करे बाड़क का, कोई भी पूरा नहीं पाड़ सकता, ये तुम हिम्मत मानो तुम इनके यहाँ तक जा रहे। और नाथ है जिराड हो जा करे, इन्हीं शब्दों में सब कुछ समझे। क्या कहा, कापड़ लागी काया, चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कापड़ लागी काया। और जी जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करने की कोशिश करिएगा, धन्यवाद। हेलो हेलो, देखिए साज तो यही लगा रहेगा, ठीक है ना, और इसी साज पे एक रंग और होगा और उसमें सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे और उस सुर को
बच्चा नहीं उठाएगा क्योंकि इसका ऊंचा हो जाता है। सनोज सनोज हाँ सनोज उठा लो। सुरेश हाँ जी सुरेश हरोली। अमित मलिक उठाओगा? अमित मलिक उनका छोटा सुर है। गुरुजी हमारी बात सुनो, इनका रंग तो हमने कोशिश करी और भाई हमारा भी रंग होना चाहिए एक, ये तो जायज है जी बात, पलड़ा दोनों बराबर के होने चाहिए, हमारा भी रंग होना चाहिए। हाँ जी देखिए रंग तो तुम अपनी मर्जी से उठाओ और ऐसा रंग उठाओ जो कोमन हो, ऐसा ना हो कि कोमल ही गाएंगे गुरु जी, कोमल ही गाएंगे। हाँ कोमल बिल्कुल कोमल गाएंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। हाँ देहाती गाएंगे। कोई बात नहीं, तुमने फिल्मी गाया हम देहाती गाएंगे, देहाती गा भाई। अरे इस रंग अगर रंग काट होता तो छोरा ऐसा थोड़ी उठाता। बोल भाई बोल बेटा।